स्टार प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई ने दी है विराट को धमकी। जी हाँ दोस्तों, सई को अब बहुत गुस्सा आ गया है क्योंकि विराट ने वीनू की सच्चाई सई से पूरे टाइम छुपाई रखी और अब जब सई को पता चल गया है कि वीनू उसका अपना बेटा है तो उसने विराट को 72 घंटे का टाइम दिया है। वो विराट से कहती है, विराट चौहान आपके पास सिर्फ 72 घंटे हैं अपने पूरे परिवार को ये बताने के लिए कि वीनू जिसको आप अपना और पत्रलेखा का बेटा बताते हैं वो आपका बेटा नहीं बल्कि मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। ये सुनकर विराट एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसने सई से ये बात इसलिए छुपाई थी ताकि सई वीनू को उससे और पत्रलेखा से दूर ना ले जाए, लेकिन सई अब वही करेगी। उधर दूसरी ओर आई आकर विराट से कहती है कि पत्रलेखा और वीनू दोनों घर से गायब हैं। अब क्या करेगा विराट, कहाँ चले गए हैं आखिर पाखी और वीनू? क्या पत्रलेखा को पता चल गया है कि वीनू उसका नहीं सई का बेटा है और क्या इसलिए पत्रलेखा वीनू को कहीं लेकर चली गई? उधर दूसरी ओर सीरियल में काकू अब फैसला लेती है कि मोहित और करिश्मा को अलग हो जाना चाहिए। इस बारे में वो मोहित से बात भी करने वाली है। मोहित को विराट सई के घर ले जाता है जहां वो करिश्मा को देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। सई और विराट दोनों मोहित को करिश्मा के मिसकैरेज के बारे में भी बताते हैं। तब भी मोहित करिश्मा पे शक करते हुए कहता है, मुझे पता भी नहीं कि ये बच्चा किसका था। तब सई उसको डांटती है और समझाती है ये बात गलत है। विराट भी सई का साथ देते हुए मोहित को ये समझाता है, इनको तो किसी को पता भी नहीं है कि काकू ने इनके लिए क्या प्लान किया है। काकू अब नहीं चाहती कि करिश्मा और मोहित साथ में रहे। काकू को ये भी पता चल गया है कि करिश्मा को सई ने अपने घर में रखा है। अब विराट के लिए हर तरफ से मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं। एक तो उसको मोहित और करिश्मा के डिवोर्स का कुछ करना पड़ेगा, ऊपर से पत्रलेखा और विनायक के घर से गुम हो जाने का टेंशन, और फिर सई ने उसको अल्टीमेटम भी दिया है 72 घंटे का, जिसमें उसको सभी घर वालों को वीनू की सच्चाई बतानी होगी। एक साथ विराट इतनी सब मुसीबतों का सामना कैसे करेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस सीरियल से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं किया है तो।